नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त उत्तम। आज वीडियो में OnePlus 10R 5G फ़ोन की अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू और सभी डिटेल्स को डिस्कस करने वाला हूं। फ्रेंड्स, ये OnePlus के 10 सीरीज का काफ़ी पावरफुल एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन होने वाला है, जिसके अंदर हमें काफ़ी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, लेटेस्ट मीडिया टेक का प्रोसेसर मिल जाता है, उसके साथ हमें बहुत ही अच्छे डिज़ाइन और लुक्स देखने को मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, ये सेम टू सेम वही स्मार्टफोन होने वाला है जो चाइना के अंदर OnePlus Ace के नाम से लॉन्च हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं उसी स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेटेस्ट स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू और ढेरों की वीडियो लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा लोग देख सकते हैं, मेरे सामने ये OnePlus Ace का बॉक्स है। सेम टू सेम 10R का भी होने वाला है इसी स्टाइल के अंदर। फटाफट से इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद के अंदर ये हमारा प्यारा सा स्मार्टफोन मिल जाता है। उसके बाद हमें कुछ पेपर वाले डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं, सिलिकॉन केस मिल जाता है, 150 वाट का सुपर फास्ट चार्जर मिल जाता है, उसके साथ टाइप सी टू सी केबल हमें मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ रखते हैं साइड में। अब स्मार्टफोन के डिज़ाइन की बात की जाए तो स्मार्टफोन के रेयर में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है रेक्टेंगुलर शेप में। थोड़ा सा हमें कैमरा वाम देखने को मिल जाता है। नीचे हमें फ्रंट और यूनिक स्ट्रिप्स देखने को मिल जाते हैं। OnePlus की ब्रांडिंग मिल जाती है। और फ्रंट में हमें सेंट्रल पंच होल स्टाइल के अंदर काफ़ी थिन और नैरो बेजल सा डिस्प्ले देखने को मिलता है। और फ्रंट में हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन मिल जाती है। फ्रेंड्स, स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की बात की है, इसके अंदर हमें 6.7 इंचेस की 2K AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो 1 बिलियन कलर के साथ आता है, 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ। और इसके अंदर हमें HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट मिल जाता है। स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की है, इसके अंदर हमें एंड्रॉयड 12 के साथ ऑक्सीजन OS का सपोर्ट मिल जाता है। अब इसके अगर प्रोसेसर की बात की है, इसके अंदर हमें MediaTek Dimensity 8100 Max ऑक्टा कोर CPU देखने को मिलता है। उसके साथ हमें माली का G610 GPU देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, ये एक MediaTek का फ्लेक्सी लेवल का प्रोसेसर होने वाला है, जिसके अंदर हम मल्टीटास्किंग, हैवी गेमिंग कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इसके अंदर हमें ग्रेफाइट हीट पाइप भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसके अंदर हमें ज़्यादा हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलेगी। और स्मार्टफोन की अगर कैमरा की बात की है, इसके अंदर हमें 50 MP का मेन कैमरा देखने को मिलता है। उसके साथ हमें 8 MP का अल्ट्रा डेप्थ कैमरा और 2 MP का हमें माइक्रो सेंसर देखने को मिलता है। और फ्रंट में हमें 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप उसे कैमरा सैंपल देख सकते हैं जो इस स्मार्टफोन से लिए गए हैं। स्मार्टफोन का मेन कैमरा काफ़ी अच्छा है, पावरफुल है, लेटेस्ट सेंसर के साथ आता है। तो डे लाइट्स के अंदर, लो लाइट्स के अंदर, सभी कलर सिचुएशंस के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। अल्ट्रा डेप्थ कैमरा ऑन एवरेज ठीक है और फ्रंट कैमरा भी डिसेंट परफॉर्म करता है। स्मार्टफोन के अंदर हमें स्टूडियो स्पीकर सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर हमें 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलता है। और स्मार्टफोन के अंदर हमें डुअल बैंड वाईफाई के साथ ब्लूटूथ और जम 5.2 का सपोर्ट मिल जाता है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और हमें सभी जरूरी सेंसर्स मिल जाते हैं। स्मार्टफोन की अगर बैटरी की बात की है, इसके अंदर हमें 45 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी मिल जाती है, जो 150 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो हमारे स्मार्टफोन को केवल 5 मिनट के अंदर 50% चार्ज कर देगा। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे स्मार्टफोन को काफ़ी फास्ट और क्विकली चार्ज कर रहा है। उसके साथ ये वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। फ्रेंड्स, स्मार्टफोन की प्राइसिंग और लॉन्च डेट की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर 28 अप्रैल को लॉन्च हो रहा है और इसकी प्राइसिंग लगभग 35,000 रुपये के आसपास होने वाली है। उनके ओवरऑल कंक्लूजन की बात की जाए तो ये OnePlus का काफ़ी पावरफुल स्मार्टफोन होने वाला है। MediaTek के प्रोसेसर के साथ काफ़ी हमें फ्लेक्सी लेवल के फीचर्स मिल जाते हैं और सबसे अच्छी बात, इसके अंदर हमें बहुत ही अच्छी सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको स्मार्टफोन के बारे में सभी डिटेल समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई सवाल नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।